कालू कौवा जंगल से अपने घर की ओर लौट रहा होता है और ऐसा लगता है कि कालू कौवा बहुत ही उदास है। और ना जाने क्यों कुछ दिनों से कालू कौवा बहुत परेशान हो रहा है। कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है कि देखो बारिश के मौसम में अब हमारा घर भी टपकने लगा है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, जरा तुम बाहर जाकर देख कर आओ। ठीक है मैं देख कर आता हूँ कि घर में पानी कहाँ से आ रहा है। और कालू कौवा उड़कर बाहर खिड़की के रास्ते से देखने चला जाता है। वो बाहर देखता है कि सभी पक्षियों के घरों में बच्चे हैं और सभी पक्षी अपने अपने बच्चों के साथ बहुत मस्ती कर रहे हैं। कालू कौवा घर आकर कौवी पर नाराज होने लगता है, कहता है कि हमारी शादी को कितने दिन हो चुके हैं, हमें बच्चा नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ, जब बच्चा होना होगा। अरे तुम क्यों कुछ नहीं कर सकती, तुमने मुझे वैसे ही परेशान कर रखा है, अगर तुम्हें बच्चा नहीं होता तो तुम मेरे घर से निकल जाना, मुझे अभी बच्चा ही चाहिए ताकि मैं भी अपने बच्चे को चोरियां करना सिखा सकूं और मेरा बच्चा मेरे लिए दूसरे पक्षियों के घोंसलों से खाना लेकर आए। बेचारी कौवी ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और बहुत दुखी होने लगती है। उसे पूरी रात नींद भी नहीं आती, वो इसी चिंता में बैठी रहती है। और अगले दिन कौवे के जाते ही कौवी तैयार होकर वहाँ से निकल जाती थी। गोरी कौवी पूरी बात अपनी माँ को बताती है और रोने लग जाती है और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ माँ, अब मैं क्या करूँ। अरे बेटी तुम कुछ भी चिंता न करो, मैं कुछ न कुछ उपाय देखती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या किया जाएगा। अरे माँ क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? हाँ मेरे पास एक उपाय है, जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा ही करना। अरे माँ आपके पास मेरी समस्या का भी हल है? अरे वाह, ऐसा करो बेटी तुम, मेरे पास एक प्लास्टिक का अंडा है, तुम उसे ले जाओ। और कौवी वो प्लास्टिक का अंडा लेकर अपने घर लौट आती है और उस प्लास्टिक के अंडे को अपने घोंसले में रखकर बैठ जाती है। जब कालू कौवा आता है वो देखता है, अरे ये देखो आज मैंने ये अंडा दिया है। और कालू कौवा जैसे ही उस अंडे को देखता है वो खुशी के मारे नाचने लग जाता है। अरे वाह मैं भी पिता बनूंगा, मैं भी अपने बेटे को अब चोरियां करना सिखाऊंगा। कालू कौवा अगले दिन मस्ती में पूरे जंगल में घूम रहा होता है और गोरी कौवी के लिए बहुत सारे फल फ्रूट और अनाज खाने के लिए लाता है। गोरी कौवी अपने घोंसले में ही बैठी रहती है और काफ़ी दिन हो जाते हैं लेकिन अंडे से बच्चा नहीं निकला। अरे क्या तुम्हें पता है कि अंडे से बच्चा कब निकलेगा, कितने दिन हो गए हैं? हमें नहीं, मुझे भी कुछ मालूम नहीं है, मैंने भी पहली बार ही अंडा दिया है। अच्छा ऐसा करता हूँ मैं ही पता लगाता हूँ। तब कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है और टुनटुनी चिड़िया से पूछता है, अरे बहन क्या तुम्हें पता है कि हमारे अंडों से बच्चा कितने दिन में निकलता है, क्योंकि हमारा अंडा अभी 15 दिन का हो गया है। अरे भाई मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि कौवे के अंडे में और हमारे अंडों में फ़र्क होता है, हमारे अंडों में तो 5-6 दिन में ही बच्चे निकलते हैं। अच्छा तो बहन अब मैं क्या करूं? तुम ऐसा करो डॉक्टर के पास उस अंडे को लेकर चले जाओ, अब तो डॉक्टर ही बता सकते हैं कि क्या कारण है। हाँ बहन मैं भी यही सोच रहा हूँ, डॉक्टर के पास ही चला जाता हूँ। अच्छा ऐसा करो तुम जल्दी से अंडा लेकर निकल लो मेरे साथ। अरे कहाँ जा रहे हैं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना, जल्दी से अंडा लो और मेरे साथ चलो, अब हम हॉस्पिटल जाएंगे। और इस तरह दोनों गोरी कौवी और काला कौवा हॉस्पिटल के लिए अंडा लेकर निकल जाते हैं। और जैसे ही वो दोनों हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पर गुलाबी चिड़िया कहती है कि सामने जो डॉक्टर का कमरा है आपको उस कमरे में जाना है और उसके
अरे यहाँ पर दो लोग नहीं रह सकते कालू कौवे, तुम्हें बाहर जाना होगा। तभी कालू कौवा वहाँ से बाहर चला जाता है। डॉक्टर बुलबुल कहता है कि अरे ये तो प्लास्टिक का अंडा है, भला इसका चेकअप मैं कैसे करूँ। तभी गोरी कौवी रोने लगती है और उसे पूरी बात बताती है कि उसने ये सब क्यों किया, क्योंकि वह भी बहुत परेशान थी। तभी बुलबुल डॉक्टर उसे समझाता है कि देखो मेरे पास एक सुझाव है, तुम हमारे दूसरे डॉक्टर से अंडा ले लेना। क्या मुझे असली अंडा भी मिल सकता है? हाँ, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे अंडे भी हैं जो जिनके माता पिता नहीं हैं, उन अंडों को हम अपने स्टोर में रखते हैं। तुम एक असली अंडा ले लेना और उस अंडे से बच्चा भी निकल जाएगा, तुम्हें किसी भी परेशानी नहीं होगी। और गोरी कवि बहुत खुश हो जाती है और इस तरह वे दोनों हॉस्पिटल से वापस आ जाते हैं। अरे ये बताओ कि डॉक्टर ने क्या बताया है, बच्चा कब होगा? बच्चा 5 दिन में अंडे से निकल आएगा, उन्होंने ऐसा कहा है। अच्छा तो 5 दिन बाद मैं पिता बन जाऊंगा। अगले दिन जब कालू कौवा जंगल की तरफ खाना लेने जाता है तो गोरी कवि उस डॉक्टर के पास पहुंच जाती है कि मुझे बुलबुल डॉक्टर ने आपके पास भेजा है। हाँ हाँ, बुलबुल से मेरी बात हो चुकी है, मुझे वो अंडा दे दो जो उन्होंने कहा था देने के लिए। हाँ मैं अंडा तो तुम्हें कौवे का ही दे दूँगा, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे सिर्फ कौवे का अंडा देना। वो उसे कौवे का अंडा दे देता है और कहता है कि तुम्हें इसका पालन पोषण अपने बच्चों की तरह ही करना होगा, ऐसा ना हो कि ये सच्चाई बाहर आ जाए। अरे नहीं भैया, मैं इस अंडे को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही रखूँगी। और वो अंडा लेकर अपने घर वापस आ जाती है और प्लास्टिक का अंडा वो बाहर दूर फेंक देती है और असली अंडा अपने घोंसले में रख लेती है। अब वो बिल्कुल आराम से और बेचिंत है, क्योंकि उसे पता है कि इस अंडे से बच्चा निकलेगा और 5 दिन बाद अंडे से बच्चा निकल आता है। और जैसे ही बच्चा निकलता है, अरे वाह मुझे बेटा हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ, अब देखना मैं भी अपने बेटे को चोरियाँ करना सिखाऊँगा। अरे माँ ये क्या बोल रहे हो, जो आवाज़ मैं अंडे में सुनता था ये वो आवाज़ तो नहीं है। अरे बेटा कुछ दिन पहले मेरा गला ख़राब था इसलिए तुम्हें मेरी आवाज़ अलग रही होगी। अरे बेटा जैसे मैं चोरियाँ करता हूँ वैसे ही तुम भी चोरियाँ करना, और हम दोनों बाप बेटा मिलकर बहुत सारी चोरियाँ करेंगे। और अरे माँ मुझे चोर नहीं बनना है, मैं तो बहुत ही अच्छा और ईमानदार पक्षी बनूंगा और जो भी करूंगा अपनी मेहनत से ही करूंगा, आपने मुझे अंडे के अंदर यही सिखाया था। हाँ हाँ बेटा तुम एक अच्छे पक्षी ही बनोगे, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी। इस तरह गोरी कवि अपनी बातों को छुपा लेती है। ये भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने उस नकली अंडे वाली बात को बाहर आने नहीं दिया और मेरी बहुत सहायता की है। यदि मैं तब उस समय हॉस्पिटल में न जाती तब मुझे इस एग बैंक के बारे में कहीं से पता नहीं चलता, और मैं उस हॉस्पिटल में गई और मुझे एग बैंक के बारे में पता चला। और मैं बुलबुल डॉक्टर का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ जिसने मेरी समस्या को समझा और मुझे असली अंडे के बारे में जानकारी दी। और बुलबुल एग के बताए हुए बैंक से ही मैंने जो अंडा लिया है उसके कारण ही आज मेरा परिवार एक सुखी परिवार है।